शाहजहां ने 3 शादियां की, मुमताज बेगम से 14 बच्चे पैदा हुए थे, दैट टाइम मैं उनके हाथ नहीं काटे गए थे। गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ और मैं हूं अभी आगरा में और टाइम हो गया है 3:30 और लास्ट व्लॉग देखा होगा पता होगा आपको मैं आगरा में आया था और रेडिसन होटल में रुका हूं और आज जा रहा हूं मैं ताजमहल जो कि प्यार की निशानी देखने, लेकिन हम आपको रूम से भी दिखा देते हैं जो मेरे रूम से व्यू है कुछ इस तरह का है और जितना ये लेंस जूम हो सकता है मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इससे ज़्यादा ये जूम नहीं होगा क्योंकि ये 10-18 है और जो हमारा जूम वाला लेंस है वो हम लेके नहीं आए, लेकिन इसका भी एक उपाय हमने ढूंढ लिया है, अपने फ़ोन से हम आपको जूम करके दिखाते हैं। वो देखो कैमरे में आपको दिख रहा होगा, मोबाइल में सामने इसका जूम अच्छा है, तो वो रहा ताजमहल। थोड़ा सा और जूम करते हैं, अब बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा और कुछ इस तरह का नज़ारा है हमारे रूम से। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है रूम से, आराम से बेड पे लेट जाओ और सामने देखते रहो और जितना यार कैमरे में दिख रहा है ना उससे ज़्यादा पास ये रियल में देखने पे लग रहा है, मतलब बहुत ही पास है, लेकिन फिर भी हम इसको और पास से देखेंगे, चलेंगे अपनी वाइट टाइगर पर और थोड़ा पास से आपको नज़ारा दिखाएंगे और आसपास भी घूमेंगे। उससे पहले आपको ये रूम दिखा दें क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में रूम दिखाऊंगा और होटल का नाम रेडिसन है और पूरा होटल भी चलते चलते आपको दिखा दूंगा। बाकी नॉर्मल जैसे सारे रूम्स होते हैं, यहाँ पे एक चेयर, बेड, लाइट, इधर है टीवी और इधर चेयर जहाँ हम रात को एडिटिंग करेंगे और यहाँ पर कॉफ़ी जो हमने बनाकर पी है और इधर मेरा बैग रखा हुआ है। आज मैं इस छोटे से बैग में सब कुछ लाया हूँ, मतलब इसी में मेरा कैमरा बैग, इसी में टी शर्ट जो आप मुझे पहने देख रहे हो और ये है वॉशरूम और इधर है बाथटब जिसमें आकर मैं सोया भी समझो इसमें ही हूँ। अब चलते हैं ऊपर, इसका टेरिस बहुत अच्छा है क्योंकि जो नीचे रिसेप्शन पर मैम थी उन्होंने ये बोला था कि सर एक बार टेरिस पर जरूर जाना, वहाँ से वीडियो बहुत ही अच्छी बनेगी, तो टेरिस पर चलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे, लेकिन मेरे को तो लगता है नज़ारा यही होगा, फिर भी उन्होंने बोला है तो एक बार टेरिस पर चलते हैं और उसके बाद निकलेंगे वाइट टाइगर से। पहले मैं सोच रहा था कि टेरिस पर क्या जाऊँ, वहाँ से क्या व्यू होगा, क्या नज़ारा होगा, लेकिन व्यू देखो, नज़ारा देखो और वो रहा ताजमहल और यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन यार मेरे कैमरे में ना ऐसे लग रहा है ये यहाँ से कम 100-200 किलोमीटर दूर है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल हार्डली ये 50 मीटर है और इसको देखकर ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से जाऊँ ना, और यहाँ से इतना प्यारा इतना अच्छा नज़ारा है, इधर सीटिंग है तो मन ही नहीं कर रहा है कि इधर से मैं जाऊँ, यहाँ आराम से बैठूँ, कॉफ़ी ऑर्डर करूँ और इधर से ही देख सकता हूँ और इधर किचन बार है और इधर बीन का बार है और ये पूल है और सामने इधर है जिम। तो फोटो क्लिक करा रहा हूँ यहाँ पर इंस्टा के लिए, तो इंस्टा पर नहीं फॉलो किया हो तो जाकर फॉलो कर लो, आईडी है मेरी लक्की बैसला 07 और इतने लाइक ना इंस्टा और यूट्यूब पर ज़रूर आ जाने चाहिए, तो जल्दी जल्दी लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर ताजमहल के बाद भी घूमना है तो, क्योंकि हम तो घुमक्कड़ हैं, घूमते ही रहते हैं। ये इस तरह के हैं, पूरे ग्लास में हैं और इसमें अंदर लगा हुआ है एसी और अंदर आओ एसी ऑन करो अगर गर्मी हो, अभी मौसम अच्छा है बाहर, और फिर यहाँ से आराम से बैठ के नज़ारा देखते रहो। और यहाँ पर स्पा भी है, अगर आपको स्पा कराना हो आना हो तो यहाँ स्पा करा सकते हैं। लो पास से मैंने आपको ताजमहल दिखा दिया, इससे पास से कौन दिखाएगा, लेकिन हम आपको असली वाला भी इससे पास दिखाएंगे और ये है यहाँ की लोबी और वहाँ पे अपनी वाइट टाइगर के साथ फोटो शूट हो रहा है। तो ये रही अपनी वाइट टाइगर और इसको निकालते हैं और होटल से निकलते ही 500 मीटर सिर्फ चलना है और आ जाएगा ताजमहल, लेकिन रास्ता ये कह रहे हैं अंदर अंदर से थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा मुश्किल आपको मिले और वहाँ पे ये कह रहे हैं लेकिन पार्किंग अच्छी मिल जाएगी, जो बैक साइड वाली पार्किंग है ना कह रहे वो थोड़ा सेफ है ज़्यादा। ये देखो बस एक लेफ्ट लिया और यहाँ पर आ गए और सामने लिखा हुआ है ताजमहल, पार्किंग है इधर, हेलमेट रख सकते हैं, बाइक पार्किंग में लगा दी है और यहाँ से ना ऐसे इस तरह के रिक्शे जाएंगे जो कि 10 रुपीज़ लेंगे और जो टिकट है वो काउंटर बंद है, आपको ऑनलाइन ही बुक करनी है। एक टिकट है 45 की और एक है 245 की, कोई सी भी ले सकते हैं। 45 में नीचे से देखने के लिए मिलेगा आपको ताजमहल और 245 में मोनोमेंट्स में जा सकते हैं आप, नहीं तो 45 में आप बाहर से देख कर आ जाइए। वो इस तरह की है बैटरी वाली कार और 10 रुपये सवारी है और ये देखो, और वेट करके ये आली तो फुल हो गई, उसके बाद जब ये आई ये हुई और वो बिल्कुल खाली है।
लगाना पड़ेगा, नहीं मास्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो 500 रुपए रख लो जेब। बाकी जितने भी लोग दिख रहे हैं बिना मास्क के, हेलमेट भी एक पे लगा। दिल्ली जी के राज में तो वो बढ़िया है, दिल्ली में दोनों को लगाना पड़ता है, यहाँ सिर्फ एक के लगा। दिल्ली में बहुत कानून सख्त है, बहुत सख्त है। कल दिल्ली आएंगे हम। अच्छा कल दिल्ली जाओगे, कहाँ से हो? गुजरात से। गुजरात से, गुजरात से किधर किधर घूम रहे हो? गुजरात से यहाँ से आए थे गोकुल। अच्छा पुष्कुल, वहाँ से आए यहाँ पे ताजमहल देखने। ताजमहल यहाँ से गोकुल मथुरा जाएंगे। हाँ मथुरा से मतलब दिल्ली जाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट जाएंगे हरिद्वार से वो है ना मसूरी। मसूरी जाएंगे, जाओगे वहाँ से फिर रिटर्न। देखिए सुबह से पेट पूजा नहीं किया, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। खाया थोड़ा कम था, थोड़ा सा मैंने होटल पर मंगा के खाया था, लेकिन पानी पूरी या कुछ खा के फिर आगे चलेंगे। कितने रुपए हो गए? 40। थैंक यू। और यहाँ कर ली मैंने पेट पूजा, और सामने देखोगे सारी शॉप है, आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये जो गेट है ना, ये ईस्ट गेट है, वीआईपी गेट भी बोलते हैं, ये बैक साइड में पड़ता है, और इधर से मेरे को लगता है क्राउड भी थोड़ा कम है। जिनको नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो ताजमहल है ना वो फ्राइडे ऑफ रहता है। ताजमहल इस तरीके से दिखाई देता था। ओके ये कुछ पुराने जमाने की पिक्स हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ताजमहल बदलते वक्त में बदलता रहा, इसको पहली बार मेंटेन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा पहली बार जब ये मेंटेन हुआ तो तब ताजमहल ऐसा दिखने लगा, और जब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आया तो वापस इसको वैसे ही डेकोरेट किया गया जैसे शाहजहां ताजमहल को बना कर गए। ये हाँ ये पूरे इस तरीके से डेकोरेट किया गया, और ताजमहल के अंदर में क्राउड बहुत आता है जो कोविड की वजह से अब नहीं है। यहाँ पर आप ये पिक देख सकते हैं 1959 का, 1959 में इतना क्राउड है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टूरिस्ट आता था यहाँ पर, जो कि अब कोविड की वजह से नहीं। पहले तो टूरिस्ट प्लेस ही ये था ना, अब तो फिर भी और जगह हो गई है। लोग यहाँ पर क्राउड अभी भी बहुत आता है, और इमारतों के मुकाबले में ताजमहल के अंदर में काम चलता रहता है, कंटिन्यू यहाँ पर वर्क होता रहता है। जैसे आप यहाँ पर इस पिक में देख रहे हैं, ताजमहल को रिपेयर उसी तरीके से किया जाता है जैसे कि दैट टाइम में ताजमहल बना, और ताजमहल को क्लीन किया जाता है मुल्तानी मिट्टी से जो मुल्तान से आता है। अच्छा ये डैमेज होता है, कोई पत्थर वगैरह निकल जाता है तब इसको रिपेयर किया जाता है, उसी तरीके से रिपेयर किया जाता है जैसे कि उस जमाने में ताजमहल बना, और रिपेयर करने वाले उन्हीं के जनरेशन के लोग हैं। और वैसे आपको बता दूं कि गाइड हमने हायर किया है, और क्या नाम है भैया आपका? इरशाद अहमद। और ये हमें आज पूरा ताजमहल घुमाने वाले हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं, हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं ये ताजमहल का फोर कोर्ट एरिया है, फोर कोर्ट ऑफ ताजमहल। यहाँ पर चारों तरफ जो आप देख रहे हैं चार गार्डन बने हैं, गार्डन हर साइज में सेम बना हुआ है, दूसरा तीसरा और चौथा बिल्कुल सेम है साइज। यस ईस्ट गेट आप देख रहे हैं सेम ऐसा ही, इसके फ्रंट पर बना हुआ वेस्ट गेट। अच्छा बिल्कुल सामने ईस्ट एंड वेस्ट गेट बिल्कुल आईने की तरह सेम है, जैसे हम आईने देखते हैं सेम मिरर है यहाँ पर। ये साउथ गेट है, साउथ गेट के बिहाइंड साइड पर ही मैंने आपको बताया 20,000 लेबर इसी गेट के बैक साइड पर है। अच्छा, जो भी लेबर यहाँ से काम करेगी वो यहीं से करेगी। 17 जनरेशन के लोग अभी भी सेम लेबर कॉलोनी से बिलोंग कर रहे हैं। दैट टाइम में उनके हाथ नहीं काटे गए थे, जैसे कि आज के टाइम में कुछ लोग झूठी कहानियां बनाते हैं कि उनके हाथ काट दिए गए थे ताजमहल बन जाने के बाद। शाहजहां ने ताजमहल बन जाने के बाद 20,000 मजदूरों से समझौता कर लिया था। शाहजहां ने उनको इतना पैसा दे दिया था कि आने वाले 7 जनरेशन तक अभी किसी को काम करने की जरूरत भी न पड़े, और लिखित में ले लिया था कि आप लोग दोबारा ऐसा कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे, तो उनको काम से हटा दिया गया था, जिसको हम कहते हैं कि इस तरीके से उनके हाथ काट दिए गए, एक कहावत कही जाती है। ये ताजमहल का मेन एंट्री गेट है सर, ये गेट बोथ साइड से सेम है, जैसा आप इसको यहाँ से देख रहे हैं फ्रंट, ये ऐसा ही इसका बिहाइंड साइड बना हुआ है। शाहजहां ने 3 शादियां की, सबसे पहले शाहजहां ने फतेहपुरी बेगम से किया, इनके मरने के बाद में शाहजहां ने सरहिंदरी बेगम से किया, फिर मुमताज से जिनका ओरिजिनल नेम अर्जुमन है। मुमताज बेगम से 14 बच्चे पैदा हुए थे, 14 बच्चे को डिलीवरी देते समय मुमताज को मौत हुआ था 1631 में मध्य प्रदेश बुरहानपुर में। ये ताजमहल का सेंटर लाइन है ये वाले, बिल्कुल यस। इसी लाइन के सेंटर में साउथ गेट, ताजमहल का मेन एंट्री गेट, ताजमहल, और ताजमहल के अंदर में सबसे स्पेशल बात मुमताज बेगम का मकबरा इसी सेंटर में बना है, और यही लाइन हर चीज को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करता है आईने की तरह, जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली बताया एंड वेस्ट गेट बिल्कुल मिरर जैसे मिरर इसी तरीके। अभी ये गेट देखो आपको लग रहा होगा जहाँ पहले थे वहीं थे, लेकिन हम उस साइड से इस साइड हो गए हैं, दोनों साइड से बिल्कुल सेम ही दिखता है। आपको ताजमहल दिख रहा है ना,
एक चीज और बताता हूँ, ताजमहल दिख रहे हो, इसके साथ में जो चारों गुंबद है इनको हल्का सा इस तरह बनाया है कि कल को कोई भी भूकंप का झटका या कुछ भी आता है तो ये ताजमहल के ऊपर ना गिरे, साइड में गिर जाएं, क्योंकि ये दोबारा बन सकता है, ताजमहल दोबारा नहीं बनेगा। ताजमहल की एक खासियत और बताता हूँ आपको कि इसको चारों साइड से आप देखोगे ना, चारों साइड से आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा ये अब दिख रहा है। यार भैया ने ना एक बहुत अच्छी बात बताई है, तो मैं दोबारा कहूंगा भैया से, एक बार दोबारा रिपीट करो। ठीक है, ये जो रिवर आप देख रहे हैं ताजमहल के पीछे साइड पर, ये रिवर पहले वहां से बहता था, ताजमहल शुरू होने से पहले। जब ताजमहल कंप्लीट हो गया तो रिवर को इधर डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट करने का रीजन चार रीजन है। सबसे पहला रीजन ताजमहल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, दूसरा रीजन ताजमहल का अक्ष दिखाने के लिए, और तीसरा ठंडी हवा के लिए, और चौथा सबसे खास है ताजमहल के नीचे लकड़ी लगा हुआ है। जो लकड़ी ताजमहल के नीचे में लगी है ये बर्फीले इलाके में पाई जाती है, इसका नाम है देवदार। देवदार लकड़ी के जो पेड़ है वो 80 से 90 फीट और ज्यादा से ज्यादा 100 फीट के हाइट के होते हैं। तो नीचे सबसे पहले शाहजहां ने 16 कुएं बनवाए और उन 16 कुओं के अंदर देवदार लकड़ी का इस्तेमाल किया। उस लकड़ी को पानी देने के लिए रिवर को इधर डाइवर्ट किया गया। लकड़ी का पानी लकड़ी को मिलता रहता है, जिसकी वजह से उसकी मजबूती बनी हुई है। लकड़ी से बेनिफिट क्या है ताजमहल का? लकड़ी से बेनिफिट ये है कि ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भविष्य में कभी भी अगर भूकंप आता है तो अर्थक्वेक का सारा वाइब्रेट जो है लकड़ी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर जाएगा। उस वाइब्रेट की वजह से वो लकड़ी स्प्रिंग की तरह से काम करेगा। स्प्रिंग की तरह से जब वो काम करेगा तो ताजमहल डिसबैलेंस होगा। जब ताजमहल डिसबैलेंस होगा तो साइटों में बने हुए ताजमहल के पिलर जो कि 2.5 डिग्री आउटसाइड टिल्टेड है, ये बाहर की तरफ गिर जाएगी। पूरा ऐसा हुआ पड़ा, पूरा रेड रेड हुआ पड़ा है पीछे, बहुत ही प्यारा और सुंदर नजारा है। और आगरा में ताजमहल जो है इसको सात अजूबे ऐसे ही नहीं कहते हैं, ये रियल में सात अजूबे और बहुत ही प्यारा सुंदर लगता है। तो एक बार जरूर विजिट करना और इसको लाइव भी देखना। देखो कितना प्यारा लग रहा है, मून लाइट है, बहुत ही प्यारा है। और एक बात बताओ भैया, वो क्या बता रहे थे आप, जो अभी ब्लूज ब्लूज दिखेगा और उस पे एंट्री अलग होती है? फुल मून में ताजमहल ब्लूज कलर में दिखाई देता है। अच्छा, चांदनी रात, तो उसके रात को एंट्री होती है उसकी? हाँ, उसका रात में एंट्री होता है और उसका टिकट 24 आवर्स बिफोर बुक किया जाता है। मैं जा रहा हूँ अपने होटल पर, क्योंकि वहाँ पर है इवेंट्स, देखते हैं कैसा इवेंट है, क्या हो रहा है, और आपको भी दिखाते हैं, थोड़ा घुमाते हैं। और हमारी व्हाइट टाइगर की स्पेशल पार्किंग है ये। अभी जो आपने देखा वो टेरिस का नजारा था और वहाँ पर गाने चल रहे थे, तो बोला कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा सिनेमैटिक लेकर आ गया, लेकिन लाइटिंग वाइटिंग फुल डीजे, फुल मस्ती, फुल मजा। लेकिन अभी आया हूँ डिनर करने। देखो चोकोबॉल, इनको देखकर तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। ये है शाही टुकड़ा, ये मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर है गुलाब जामुन। खाने में ना इतना कुछ था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा सूप लेता हूँ, गरम गरम पीता हूँ, थोड़ा सर्दी में गर्मी का एहसास लेता हूँ, और फिर थोड़ा दिमाग लगाएंगे और फिर शुरू करेंगे। स्वाद स्वाद में जम के खाया, सतमोला ने खूब पचा, अब सतमोला ढूंढनी पड़ेगी। और मैंने सोचा क्या वीडियो बनाऊँ, फिर आपका भी खर्चा होता, आप भी जोमेटो से ऑर्डर करते, इसलिए मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं, लेकिन छोड़ा कुछ भी नहीं, सब खा लिया। जो मैं इवेंट की बात कर रहा था वो ये इवेंट था, यहाँ पे कठपुतलियों का डांस हुआ था, तो ज़्यादा लोग आए नहीं देखने, बस ये चेयर लगी हुई हैं तो इसलिए ज़्यादा हुआ भी नहीं। और ये क्या हो गया, ऊपर आया तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, फीलिंग बदल दी। यहाँ डीजे वाले गाने चल रहे थे और अब रोमांटिक गाने चला रखे हैं। बैक टू रूम, और यार हमारे साथ नाइंसाफी हो गए, उन्होंने रोमांटिक गाने चला दिए जो कपल के साथ कर सकते थे और हम आए सोलो। लेकिन सच बता रहा हूँ दिल से यार, मुझे मजा बहुत आया। मैंने सोचा था एक छोटी सी ट्रिप करता हूँ अपनी भूसा पर, देखता हूँ व्हाइट टाइगर पर कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा छोटे लगेज के साथ, अच्छे से कर ली। लेकिन जो मुझे यहाँ आकर एक्सपीरियंस मिला ना, मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने सोचा एक ट्रिप होगी, थोड़ा बहुत ताजमहल वाजमहल घूम लेंगे, लेकिन जो मुझे खाने से लेके ऊपर टेरिस पर, मतलब बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था। अभी टाइम हो गया है 11:25 और अब जाकर वहां से आया हूं, काफी अच्छा लग रहा था। बस अब सोऊंगा और इस वीडियो को एंड करता हूं, मिलता हूं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना क्या अच्छा क्या बुरा लगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, फ्री 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 एकदम फ्री, आगे अच्छे अच्छे ट्रैवलिंग व्लॉग देखने के लिए। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।